क्या कुछ प्रण करके आए हैं क्या? बातचीत करेंगे नहीं? मार्गदर्शक, थोड़ा हाथ ऐसा करके मत बैठिए, पूरा खोल लीजिए हाथ, आराम से थोड़ा बातचीत करेंगे। हाँ जी, शीले का मतलब क्या है? अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। यह कुछ खोने का नहीं है, जो कुछ है पाने का है। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो मानता हूं, ये सीएलआई जो होता है ना, आप लोग एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट हो, लेडी गायनिक डॉक्टर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं उसको साबित भी करूंगा। देखिए, गायनिक डॉक्टर का मतलब क्या होता है? बच्चा पैदा कराता है ना, गायनिक डॉक्टर क्या करता है? बच्चा पैदा कराता है ना। अरे हाँ, है ना। देखिए, मेरे साथ बातचीत करिए, मुंडी मत हिलाना। मैं पहले से बोला हूं सब मीटिंग में, मुंडी मत हिलाना, बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं शुरुआत जैसे करता हूं या ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि टाइम की कमी है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आऊंगा। तो लेडी गायनिक डॉक्टर, एक गायनिक डॉक्टर का काम क्या होता है? बच्चा पैदा कराना। और गायनिक डॉक्टर जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं, कि नहीं? सही की गलत है? सही है ना। दोनों में क्या अंतर है? मैं आपको जेंट्स गायनिक डॉक्टर क्यों नहीं बोला, लेडी गायनिक डॉक्टर क्यों बोला? क्योंकि लेडी गायनिक डॉक्टर बेहतर डिलीवरी करा सकता है। क्यों? जो लेडी गायनिक डॉक्टर खुद बच्चा पैदा किया है, उसको पता है बच्चा पैदा करने के टाइम पे तकलीफ कितना होता है, दर्द कितना होता है। सही है कि गलत है? और आप खुद एजेंसी का काम कर चुके हो, आपको पता है कि पार्टी का जेब से पैसा निकालने में कितना दर्द होता है, आपको दर्द पता है। इसीलिए जब एजेंट का दर्द आप खुद समझते हो, जब एजेंसी रिक्रूटमेंट आप करेंगे और उसका पालन, उसका रिटेंशन, उसका ग्रोथ आप दूसरे से बेहतर कर पाएंगे। ये स्पेशलिटी आपके पास है, ये स्पेशलिटी आपके पास है। और अभी आपका जॉब क्या है, मैं एक इसमें दिखाऊंगा। वन, देखिए आपका जॉब क्या है। वन क्लियर, वन तो पूरी क्लियर पूरी तो वन का है तो क्या है ये? अरे हाँ,